Hello everyone, our today's topic is magnetic force on a current carrying conductor. Last video में जो हमने discuss किया था वो magnetic field, magnetic force के बारे में discuss किया था, उनके बीच में relation क्या होता है और जो हमें due to point charge, किसी भी point charge जिस time पे हमारे पास कोई point charge जब motion में होता है उसकी वजह से हमारे पास कितना force देखने को मिलता है, magnetic force देखने को मिलता है, ये हमने इससे last जो video थी उसमें हमने discuss किया था। तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू जो आई थी किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो वैल्यू आई थी डियर स्टूडेंट्स कितनी आई थी, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा या मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से या कोई चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर क्यू कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से अगर वो मोशन में है तो हमें जो मैग्नेटिक फोर्स जो देखने को मिलता है वो इतना मैग्नेटिक फोर्स हमें देखने को मिलता है। क्यू जो है वहां पर उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज की वैल्यू है, वी जो है जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, बी कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जिसके अंदर उसको रखा गया है वो हमारे पास वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अब जो हम एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। ये तो हमने एक चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए फाइंड आउट किया था। अब मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई L लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैंने कोई L लेंथ का, L मीटर लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया यहां पर, इसको मैंने यहां पर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, साथ में की भी लगाई हुई है, की को क्लोज कर रखा है, तो की को क्लोज कर रखा है मीन्स इसमें से करंट जो पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां से जो करंट पास हो रहा है इसमें से आई करंट मान लीजिए इसमें से पास हो रहा है, तो ये जो करंट जो हमें देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो कंडक्टर के अंदर हमें यहां पर जो मोशन जो देखने को मिलता है चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास होता है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हमें यहाँ पे करंट देखने को मिलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कंडक्टर में मूव करते हैं तो इनके मोशन की वजह से हमें यहाँ पर करंट देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से, ये हम इस प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनकी एज एन एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो वी डी है, वी डी जो है उनकी एज एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सभी की हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली इलेक्ट्रॉन्स की, वी डी है। और यहाँ पर आपके पास जो चार्ज पार्टिकल जो है जिनकी वजह से हम करंट देखने को मिल रहा है वो हम इलेक्ट्रॉन लेकर के चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम चार्ज सिंपली ई लेकर के चल सकते हैं जिसकी वैल्यू हम पता है -1.6 इंटू 10^-19 कूलम। यहाँ पर मान लीजिए एन जो है हमारे पास, जो स्मॉल एन जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल एन जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर हमारे पास अगर हमें इस कंडक्टर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी लेंथ में एल मीटर लेकर के चल रहा हूं और ए जो है वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए जो है वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, एल जो है वो लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उस टाइम पे इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो होगी हमारे पास क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो उस केस में हमारे पास जो नंबर डेंसिटी जो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल एन से, तो वॉल्यूम कितनी हमारे पास ए इंटू एन। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, नंबर डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ कोसेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है किसकी, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, एन कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं साइड में, ए स्मॉल एन इंटू ए इंटू एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज द एरिया ऑफ कोसेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये सारी चीजें हम पहले भी इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। अब यहां पर हमें इसकी वजह से जो करंट जो देखने को मिलता है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में जो स्टडी किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो हमें कितना करंट देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट, इनकी वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिनकी नंबर डेंसिटी स्मॉल एन है और वो वीडी एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो आती है करंट की इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितनी आती है डियर स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आती थी, ए जो है वो एरिया ऑफ कोसेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी डी एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास वैल्यू आती थी करंट की, यहां तक हमें पता है। हम जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे पास जो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, क्यू वी डी साइन ऑफ थीटा या क्यू वी क्रॉस बी साइन ऑफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये वैल्यू हमारे पास आई थी किसी भी सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से जिसके ऊपर क्यू कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट था और वो भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और हमने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ बी टेस्ला थी उसके अंदर रखा था, तो हमें इतना मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिल रहा था। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी हम मैग्नेटिक फोर्स की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहां पर हमें जो करंट जो देखने को मिल रहा है किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी वैल्यू पुट करनी है, और इसको आपको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और वैल्यू रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो है मैग्नेटिक फोर्स की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हम जो लेकर के चल रहे थे, हमारे पास जो कंडक्टर जो था जिसका एरिया ऑफ कोसेक्शन ए था, लेंथ इसकी एल थी, और आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा था, आई जो करंट फ्लो कर रहा था वो किसके इक्वल था, ए एन ई वी डी, वी डी जो थी यहाँ पर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, या आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, या आपके पास जो सिंबल जो होता है, दो सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे इस चैप्टर में भी आगे भी, एक आपके पास ये सिंबल होता है डॉट और सर्कल, एक आपके पास ये सिंबल होता है क्रॉस और उसके ऊपर सर्कल। ये जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, फॉर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये आपको हम पहले बता रखा है। ये जो हम सिंबल यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस सिंबल से आप मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखा सकते हैं, करंट को भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमारे पास दो तीन वेरिएबल हो गए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, तो तीनों को इस तरीके से एक ही डायग्राम में शो करने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उनमें से किसी एक को आप इन सिंबल से दिखा सकते हो। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मान लीजिए करंट जो इस डायरेक्शन में है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, या करंट ऐसे है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये टिप जो है करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर इस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग वो है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखा रहा हूँ, इट मीन्स आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इस डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर,
ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आप ये दोनों सिंबल जो याद रखना है आपने, ये जो है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर डॉट और उसके ऊपर सर्कल जो है, क्रॉस और उसके ऊपर जो सर्कल है वो इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहां पर देखिए हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, या हम ये कह सकते हैं जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, वो यहाँ पर उसका जो स्ट्रेंथ जो है वो बी टेस्ला उसकी स्ट्रेंथ है, और कुछ इस टाइप से वो है ये क्रॉस और इसके ऊपर मैंने आप ऐसे लिखा है, इतनी सो किस साइड है इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डॉट भी रिप्रेजेंट कर सकता था वो हो जाता आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमारे पास जो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो है आपके पास ये है इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर मीन्स अलोंग जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस इधर की साइड अंदर की साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से अब अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहां से हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वैसे ये वैल्यू आई थी, अब हमें क्या करना है सिंपली यहां पर एक तो टोटल चार्ज की वैल्यू देखनी है, यहां पर टोटल चार्ज है कितना इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जिस एक्सटर्नल फील्ड में आपने रखा है, ये सारी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो हमारा मेन काम क्या है, सबसे पहले टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल हमारे पास जो नेट चार्ज होगा टोटल चार्ज होगा कितना होगा, अगर यहाँ पर एन जो है स्मॉल एन जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कितने हो जाएंगे, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं एन इंटू ए इंटू एल, ये हमारे पास क्या आए हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, उसको मैं सिंपली ई से नाम दे रहा हूं। तो हमारा जो टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारे पास ई, या माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई, टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, कितनी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और जिस एक्सटर्नल फील्ड में हमने रखा उसकी स्ट्रेंथ कितनी है बी, तो ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करके सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी देखिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए, एफ बी इज इक्वल टू नेट चार्ज की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या आई थी n इंटू ए इंटू एल इंटू स्मॉल ई, n इंटू ए इंटू एल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, स्मॉल ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा इतना, मल्टीप्लाई कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से मूव कर रहे हैं, कितने एक्सटर्नल फील्ड में रखा आपने बी टेस्ला एक्सटर्नल फील्ड में रखा आपने इस कंडक्टर को साइन ऑफ थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने करंट की जो एक्सप्रेशन लिखी थी वो इसीलिए हमने लिखी थी, जरा इसको यहां से देखिए ध्यान से, हमारे पास ये जो वैल्यू जो आ गई ए एन ई वी डी, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो इतना हमें करंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है वो हमारे पास क्या है, ये जो आया है आई इंटू एल आई एल बी साइन ऑफ थीटा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा या आई इंटू एल क्रॉस बी। यहां पर कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, एल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर जो आप लेंथ जो लेकर के चल रहे हो एल मीटर, उसका मैग्नीट्यूड एल है, साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है यहां पर। तो यहां पर आपके पास जो एक्सप्रेशन जो आई वो कितनी आई है F is equal to IL B sin theta या IL cross B। यहां पर L जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है L मीटर, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास इस फॉर्मूले में L जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर या ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच हैव बीन प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुज वैल्यू इज बी टेस्ला, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है।
अब इसका मीनिंग समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है जो हमने लिखा है आई एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स या आई एल बी साइन ऑफ थीटा जो हम बोल रहे हैं। एल जो है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो एल है। यहां से ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल जीरो डिग्री हो गया, थीटा जीरो डिग्री हो गया, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, फोर्स जीरो आएगा। मतलब कहने का जिस डायरेक्शन में हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर को जब आप मेजर करते हो जाओगे, उसकी लेंथ को मेजर करते हो जाओगे, तो यहां से आप इसको मेजर करना शुरू करोगे या तो इस एंड से या इस एंड से। तो यहां पर अगर थीटा जीरो या 180 है तो दोनों केसेस में फोर्स जीरो आएगा। इफ थीटा इज जीरो डिग्री या 180 डिग्री तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो लेंथ जो है, लेंथ का जो हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वो यही है। आप इसको मेजर करते हुए जाओगे या तो इस डायरेक्शन में जाओगे या इस डायरेक्शन में जाओगे, जैसे भी आपने इसको रखा अच्छा है, जैसे ये आपके पास है कंडक्टर, तो आप इसको मेजर करोगे इसकी लेंथ है कितनी, या तो आप इधर की साइड से मेजर करोगे या आप इसको इधर की साइड से मेजर करोगे। अगर यहां पर आपने इसी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसकी डायरेक्शन के अलोंग ऐसे या ऐसे, उस केस में आपको कोई मैग्नेटिक फोर्स देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका यहां पर मीनिंग। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो जो हम कल भी बता रहे थे, जो डायरेक्शन जो बताई जाती है मैग्नेटिक फोर्स की, वो हम दो रूल से बता सकते हैं। एक तो सिंपल जो हम वेक्टर प्रोडक्ट जो आप पढ़ चुके हो प्लस वन के अंदर, उसकी हेल्प से बता सकते हैं। दूसरा हम इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। जैसे अगर हमें इसी के अंदर ही ये बताना हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो एग्जर्ट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से आई एल बी साइन ऑफ थीटा, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो मिलेगी ही। तो हम जो इसकी डायरेक्शन जो बताते हैं वो आप या तो बता सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, या तो आप बता सकते हो इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या आप बता सकते हो जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल स्टडी कर रखे प्लस वन क्लास के अंदर उसकी हेल्प से। तो दोनों से ही देखिए, देखते हैं जिसको आप अच्छे समझ सको उसके आप न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपने वही रूल अप्लाई करना। जैसे सबसे पहले हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि आपके जो यहाँ पर जो इंडेक्स फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। जो यहाँ पर सेंट्रल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये आपने इसको इस डायरेक्शन में, सॉरी आपने करंट को जो डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगी वो सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी। तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इसी में अगर हम देखते हैं जो करंट जो फ्लो कर रहा है, या तो करंट बोल सकते हैं या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट, या उनके इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो करंट से अपोजिट है। कभी ये मत कर देना कि वो आपको क्वेश्चन में कहे कि डायरेक्शन आपको दी है इलेक्ट्रॉन की और आप उसी डायरेक्शन में आप इस अपनी सैंडल फिंगर को लेकर के चल रहे हो, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डायरेक्शन जो गलत आएगी। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की उससे रिवर्स होती है। तो यहां पर आपको जो करंट जो गिवन है वो इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस नाम दे दूं, जो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है वो इस साइड आपको इस टाइप से दिखा रखा है, जिसका क्या मतलब जो मैंने पहले आपको बताया इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर का मतलब क्या है, ये आपका जो है अलोंग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस किधर की साइड, नेगेटिव की साइड, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होता तो ये आपको ऐसे देखने को मिलता, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होता तो ये इस टाइप से, लेकिन अभी क्या है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जैसे मान लीजिए इसकी टिप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये अंदर की साइड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये अलोंग जो है आपके माइनस जेड एक्सिस हमारे पास है। तो पहले हम बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, तो ये हमारे पास हो गई डायरेक्शन किसकी, करंट की। तो इस डायरेक्शन में अपनी सेंट्रल फिंगर को सेट कीजिए, आपके पास डायरेक्शन हो गई करंट की, सेंट्रल फिंगर को हमने सेट किया, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है इधर की साइड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखना है इंडेक्स फिंगर को, तो इसको कैसे रखेंगे इंडेक्स फिंगर को, कुछ इस टाइप से, ये आपके पास तीनों के तीनों जो है सेंट्रल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये थंब, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे पास होने चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये जो आपके पास है अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास
करंट की डायरेक्शन है, तो इसमें आपने रखना है किसको, अपनी सेंट्रल फिंगर को। तो सेंट्रल फिंगर को जब हम इसको रखेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास ये हो गई सेंट्रल फिंगर, लेकिन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर की डायरेक्शन में, अंदर की साइड है ऐसे। तो ये देखिए, ये हो गई हमारे पास करंट की डायरेक्शन इधर की साइड ऐसे ही है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड ही हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब जो आएगा जिस डायरेक्शन में वही हमारे पास डायरेक्शन होगी किसकी, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स की। तो थंब जो लग रहा है वो किधर की साइड लग रहा है, अपवर्ड, या हम कहें अलोंग बेटर वे में अगर हम लिखना चाहें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग प्लस के वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग यहां पर आपको फोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। फोर्स जो देखने को मिलेगा आपको अलोंग वाई एक्सिस यहां पर देखने को मिलता है। तो इधर के डायरेक्शन में था करंट, इधर की साइड जो था आपका अलोंग माइनस जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो आएगा वो किधर की साइड आएगा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप इस रूल से भी बता सकते हो, या आप सिंपल अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आती है तो आप उस रूल से बता सकते हो। तो दूसरा रूल और समझ लीजिए, जैसे हमने पढ़ा हुआ है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जे क्रॉस के, साइक्लिक ऑर्डर के अंदर लिखा हूं इनको सिंपली, आई कैप के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, या अगर हम रिवर्स लेकर के चलते हैं तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, क्यू वी क्रॉस बी। तो सबसे पहले जो आप यहां पर लिखोगे वी डायरेक्शन ऑफ करंट, वी यहां पर क्या है वेलोसिटी किसकी है, यहां पर जो वी जो यहां पर क्या है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हम लेकर के चल रहे थे वहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम जो लेकर के चलेंगे वी जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी क्या है यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे मूव कर रहा है तो अलोंग वाई एक्सिस, प्लस के वाई एक्सिस, इसके लिए प्लस के एक्स एक्सिस, जैसे अगर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं तो दैट इज प्लस एक्स एक्सिस, दैट इज माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, कुछ इस टाइप से, ठीक है स्टूडेंट, जैसे भी आपको गिवन हो। तो यहां पर v जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और b जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पर बस आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट उठाना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जब आप वेलोसिटी का कंपोनेंट उठाओगे तो आपने वहां पर जो डायरेक्शन जो लेनी है वो आपने डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है, या तो आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गिवन है तो वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन, जैसे वो कह देता है कि आपके पास कोई प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, उन दोनों के ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव का होता है, और वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करे या अलोंग वाई एक्सिस मूव करे, तो आपने सिंपल कहने का मतलब जो वेलोसिटी जो है वो आपकी किसी भी वेलोसिटी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहे हैं, तो आपने यही डायरेक्शन लेकर के चलनी है। लेकिन अगर वो आपको कह देता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो उस केस में जो आप डायरेक्शन जो लेकर के चलोगे वो ये नहीं लेकर के, आप ये लेकर के चलोगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो डायरेक्शन का जो यूज करते हैं वो करंट की डायरेक्शन का यूज करते हैं, ना कि चार्ज पार्टिकल के लिए। तो करंट और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं जिधर की साइड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सीधा सीधा ले लो, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए पहले आप उसको रिवर्स करोगे, फिर वहां पर आप आगे नेक्स्ट उसको फर्दर सोल्व करोगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी जो है, हम यहां पर अब क्या कह सकते हैं वेलोसिटी, यहां पर जो आपने लेकर के चलना है चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या करंट के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी, अगर हम देखते हैं इसमें, देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की साइड है, लेकिन हमने ये डायरेक्शन नहीं लेनी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी, हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, करंट की डायरेक्शन लेनी है। करंट जो किधर की साइड मूव कर रहा है, इधर की साइड मूव कर रहा है ऐसे। तो आपके पास जो डायरेक्शन जो है, हम बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन किधर की साइड है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की साइड हमारे पास करंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या इधर की साइड वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर की साइड है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर का मतलब क्या है, अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, इधर की साइड प्लस का एक्स एक्सिस, इधर की साइड माइनस का एक्स एक्सिस, इधर की साइड प्लस का वाई एक्सिस, इधर की साइड माइनस का वाई एक्सिस, इधर की साइड
प्लस का जेड एक्सिस, इधर की साइड माइनस का जेड एक्सिस। तो इधर की साइड जो है वो करंट मूव कर रहा है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके किधर की साइड, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर माइनस के जेड एक्सिस के अलोंग। तो अब देखिए इस रूल से हम कैसे बताएंगे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। तो सिंपल देखिए, यहां से यहां पर जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो देखिए सिंपल हम यहां से यूज कर लेते हैं, जो हमारे पास करंट जो किधर की साइड है एक्स एक्सिस के अलोंग तो आई, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो किधर की साइड है अलोंग माइनस जेड एक्सिस, यानी के की जगह यहां पर माइनस के आपको यूज करना है। तो हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन क्या बनेगी, आई इंटू माइनस के, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू माइनस के या माइनस कॉमन आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के हमारे पास किसके इक्वल होता है, देखिए जरा ध्यान से, आई क्रॉस के हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस जे के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस जे, दैट इज इक्वल टू प्लस जे। तो फोर्स का जो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा वो किधर की साइड देखने को मिलेगा, अलोंग प्लस जे, यानी कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जो फोर्स जो आपको देखने को मिलेगा वो इधर की साइड आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट दोनों ही रूल से आप बता सकते हैं, जो आपको बेटर से आता है उसको आप, इसमें आपको हाथ को घुमाने में ऐसे ऐसे कई बार कंफ्यूजन गलत हो जाएगा, तो ये रूल बेस्ट है। अभी इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे, सॉरी इसी को हम ऐसे एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम और करेंगे, उससे भी हमारे पास ये रूल भी समझ में आ जाएगा, और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, फोर्स ऑन करंट करेंगे कंडक्टर के ऊपर। दोनों ही आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप अपने बुक में देख लेना पहले। तो देखो क्या है वो प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम उसके अंदर क्या गिवन है, सॉल्व प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है और उसके अंदर से करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर। मैं चाहूंगा आप पहले इसको खुद अपने आप पे ट्राई करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अगर नहीं आता है तो देखें। करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और वहां पर उसका जो मास जो है करंट कैरिंग कंडक्टर का जो वायर जो उसका मास जो है वो 200 ग्राम है। तो कुछ इस टाइप से उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स में रखा है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है कि वो मिड एयर में ही सस्पेंड है। जैसे ये आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, 2 एम्पीयर का करंट पास हो रहा है, गिवन भी है आपको फिगर में। ये आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां से इसके अंदर 2 एम्पीयर का करंट पास हो रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है कुछ ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई किया गया है, वैल्यू गिवन नहीं है, बी टेस्ला हम नाम दे देते हैं। ये सिंबल किसका स्टूडेंट्स, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है इस साइड है आपका, जैसे यहां से आपके पास जो है करंट जो मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है वो आपका ऐसे, इसके अलोंग इसके नीचे जो है ऐसे बहुत सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किए गए हैं यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया उसकी कुछ स्ट्रेंथ की वैल्यू है जो गिवन नहीं है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इतना अप्लाई किया गया है कि जिसकी वजह से यहां पर आपके या जो हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मिड एयर सस्पेंड है, इसके ऊपर है, नीचे जो है ये यहां से किसी सरफेस के साथ टच नहीं है। यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया जिसकी वजह से मिड एयर में ही सस्पेंड है, ये सरफेस के साथ टच नहीं है। तो आपने ये बताना है कि यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया गया है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों ही कंसेप्ट इसमें यूज होंगे, प्लस वन का भी और प्लस टू का भी। अभी अभी हमने जो आर्टिकल स्टडी किया उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई मैग्नेटिक फोर्स की वो कितनी आई, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, आई करंट उसमें फ्लो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा हुआ है, तो आपके पास जो वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, आई एल बी साइन ऑफ थीटा या आई
L क्रॉस B, ये वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, उसी फोर्स की वजह से ही यहां पर वो मिड एयर में सस्पेंड है। हम दोनों ही काम करेंगे यहां पे, डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे एक बार, और इससे पहले हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक फोर्स तो ये लग रहा है इसके ऊपर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। देखो पहले डायरेक्शन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो अलोंग जेड एक्सिस, माइनस के जेड एक्सिस है, और करंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, प्लस के एक्स एक्सिस है। तो करंट जो है उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब प्लस के आई, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग जेड एक्सिस माइनस के के। तो हमारे पास क्या है, आई क्रॉस माइनस के, या माइनस के आई क्रॉस माइनस के, या माइनस आई क्रॉस के, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जे कैप। तो माइनस जे कैप भी हमारे पास इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस जे कैप। तो इसके ऊपर जो फोर्स जो लग रहा है वो किधर की साइड लग रहा है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यही हम देख रहे हैं, इसके ऊपर जो फोर्स जो लग रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की साइड लग रहा है, जिसकी वजह से ये एयर के अंदर सस्पेंड है। आगे कंसेप्ट समझो स्टूडेंट्स, तो यहां से इस ये जो फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस लग रहा है, जिसकी वजह से ये मिड एयर सस्पेंड है, ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है। तो आपने यहां से ये फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, आपने बताना है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है जिसकी वजह से ये यहां पर मिड एयर सस्पेंड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो यहां पर आपके पास ये फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एक जो दूसरा जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से भी, वहां पर उसका भी कोई इफेक्ट होगा। तो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट होगा, इसका मास है 200 ग्राम, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे, तो दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे। दोनों ही फोर्स इक्वल होने का मतलब, मान लीजिए वो यहां पर आकर के रुक गया, अब ना ही तो वो इससे ऊपर जा सकता है ना ही वो इससे नीचे आ सकता है। अगर ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इससे ज्यादा होता तो ये ऊपर चला जाता, अगर ये फोर्स इससे ज्यादा होता तो नीचे आ जाता। ये यहां पर आकर के मिड एयर यहां पर सस्पेंड हो गया, इसके यहां पर इस पोजिशन पे आकर के दोनों जो फोर्स है वो इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, mg इज इक्वल टू ilb साइन ऑफ थीटा, ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे। तो बस अब हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम बता सकते हैं यहां पर फील्ड जो है वो कितना होगा। तो फील्ड हमारे पास mg अपॉन b इज इक्वल टू mg अपॉन il साइन ऑफ थीटा। तो यहां से आपको m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है, i की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू आपको गिवन है, थीटा थीटा कितना होगा, देखिए गिवन है थीटा हमारे पास कितना होगा, करंट इस डायरेक्शन में अलोंग x एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। तो एंगल कितना बन गया, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है करंट अलोंग x एक्सिस, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अलोंग माइनस z एक्सिस, तो एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो थीटा यहां पर कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 ग्राम। सबसे पहले इन सभी को आप SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम। तो 0.2 जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर, और थीटा 90 sin 91। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 × 10 अपॉन लेंथ, सॉरी 1.5 मीटर है, और ये आपके पास जो है ठीक है 2 × 10 अपॉन 2 × 1.15। यहां से ये भी एक डेसिमल, एक पॉइंट के बाद डेसिमल, ये भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो हम कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, टू बाई थ्री, यानी 0.65 टेस्ला अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 0.65 टेस्ला, नियरली इक्वल टू दिस। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई किया गया है जिसकी वजह से, जिसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, और जिसकी लेंथ 1.5 मीटर थी, और उसका मास 200 ग्राम था। जब हम इतना फील्ड यहां पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तब जाकर के मिड एयर आपको सरफेस से ऊपर उठा के यहां पर सस्पेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या कहता है आपको,
पढ़ लीजिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को। वो कहता है कि आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड है और वो सॉरी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है वो अलोंग पॉजिटिव वाई प्लस वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया गया है। वहां पर आपसे कहता है आपको दो केस गिवन है, एक तो प्रोटोन के लिए, प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लस वाई एक्सिस के अलोंग ही है जब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन जब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग या किस साइड मिलेगी यह आपने बताना है। और या फिर दूसरा जो केस है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वो मूव करेगा तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा ये आपने बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों रूल से आप इसको खुद करके देखेंगे पहले, फिर आगे देखिए यहां से क्या कहता है। पहले वाला केस कर रहे हैं हम जो आपको मैग्नेटिक फोर्स सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो अलोंग प्लस वाई एक्सिस के अलोंग गिवन है। तो ये हमारे पास है प्लस वाई एक्सिस, ये हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब जिस डायरेक्शन में प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वही हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स आपको किस साइड मिलेगा। तो मैं सिंपल यहां पर जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स है, आप इसको खुद करके देखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास होता है क्यू वी डी क्रॉस वी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आप लेकर के चलोगे वो करंट जो मूव करंट के डायरेक्शन आप लेकर के चलोगे। तो यहां से देखिए करंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब अलोंग जे कैप। तो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या होता है के कैप, बिल्कुल सिंपल आप इसे बता सकते हो। तो के कैप मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस केस में जो आपका फोर्स जो देखने को मिलेगा वो किधर की साइड देखने को मिलेगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जो आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से फोर्स की जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि अगर इस यहां पर आपके पास प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलोंग प्लस एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो अब बताइए इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर की साइड है। तो कैसे बताएंगे, अब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड मूव कर रहा है लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं देखनी, हमें डायरेक्शन किसकी देखनी है, करंट की देखनी है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट किधर मूव करेगा, इसके अगेंस्ट मतलब अलोंग माइनस के एक्स एक्सिस, माइनस के एक्स एक्सिस के अलोंग अब ये डायरेक्शन हो गई करंट के। तो क्या हो जाएगा, सिंपल फिर से वही आपके पास फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर की साइड आ जाएगा, आई मतलब माइनस आई कैप और ये आपका अलोंग प्लस वाई एक्सिस ही है तो जे कैप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई क्रॉस जे, इसके इक्वल होता है आई क्रॉस जे के कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब माइनस जेड एक्सिस। तो इस केस में जो आपको मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगा वो किधर देखने को मिलेगा, माइनस जेड एक्सिस मतलब आपको ऐसे अंदर की साइड देखने को मिलेगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और फर्स्ट केस में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो बिल्कुल सिंपल रूल है, मैं भी चाहूंगा आप इसी से सोल्व करें, उनमें कंफ्यूजन हो जाती है आपको फिंगर वगैरह ऐसे कर्व करने में बार बार, उससे भी कर लेते हैं उससे भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट केस हम उठाते हैं, ये आपके पास इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सेंट्रल फिंगर करंट के लिए, ये आपके पास थंब जो आएगा वो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो प्रोटॉन की डायरेक्शन गिवन है किधर की साइड है आपको, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप इसको जो हमारे पास जो सेंट्रल फिंगर जो है उसको आप प्लस के एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे, तो ये आपके पास हो गया ऐसे कुछ इस टाइप से प्लस एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका प्लस के वाई एक्सिस है, तो ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा, ये हो गया करंट प्लस एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड प्लस वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया करंट प्लस के जेड एक्सिस।
तो यही डायरेक्शन आ रही थी हमारे पास, इससे इससे। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करा, हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं देखनी, हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो अब करंट किधर की साइड है, माइनस के एक्स एक्सिस, इधर की साइड। मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, प्लस के वाई एक्सिस। तो फोर्स किधर की साइड आएगा, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यही इससे आ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये इतना कीजिए।